श्री से सम्मानित जल योद्धा उमाशंकर पांडे और जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने विकासखंड चित्रकूट धाम करवी की ग्राम पंचायत हरिहरपुर के कच्चा तालाब में श्रमदान किया। पदम श्री सम्मानित जल योद्धा श्री उमाशंकर पांडे ने ग्रामवासियों से कहा कि खेत में पर मेड़ मेड़ पर पेड़ का कार्य अवश्य आप लोग करें, जल को संरक्षित करें, तभी हम आप सबका जीवन सुखमय रहेगा। उन्होंने कहा, मैं पेड़ और जल के संरक्षण कार्य में पद्मश्री पुरस्कार पाया हूं। उन्होंने जिलाधिकारी को शॉल श्रीमद और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। जिलाधिकारी ने कहा, अटल भूजल योजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो जल संकटग्रस्त ग्राम पंचायतों में भूगर्भ जल की स्थिति में प्रभावी सुधार लाए जाने और जल प्रबंधन के उपायों को समेकित ढंग से क्रियान्वित किए जाने के उद्देश्य लागू की गई, जिसके तहत अटल जल शक्ति यात्रा चलाई जा रही। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवर भी बनाए जा रहे हैं। उन्होंने ग्रामवासियों से कहा, आप लोग अधिक से अधिक पौधारोपण करें, जल को संचय करें। जिलाधिकारी ने डीसी मनरेगा श्री धर्मजीत सिंह से कहा कि इस तालाब की खुदाई अच्छी तरह से गहराई पर कराएं, ताकि अधिक से अधिक पानी इसमें संरक्षित हो सके और तालाब के चारों तरफ पौधारोपण भी कराया जाए। तत्पश्चात जिलाधिकारी ने पद्मश्री से सम्मानित जल योद्धा श्री उमाशंकर पांडे का माल्यार्पण और पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी आरके त्रिपाठी, परियोजना निदेशक ऋषि मुनि उपाध्याय, डीसी मनरेगा धर्मजीत सिंह, खंड विकास अधिकारी करवी आस्था पांडे सहित भूगर्भ जल विभाग के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। खबर भारतवर्ष के लिए चित्रकूट यूपी से रमा मिश्रा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।